हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की आज से 10वीं की परीक्षा आरंभ हो गई है। जिला सोलन में 10वीं की परीक्षा में करीब 8000 विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा देंगे। जिला सोलन में 158 परीक्षा केंद्रों में 10वीं की परीक्षा चल रही है। आज मूसलाधार बारिश के बीच बच्चों ने 10वीं की परीक्षा दी। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उच्च शिक्षा विभाग के उपनिदेशक जगदीश चंद नेगी ने बताया कि जिला सोलन के 158 परीक्षा केंद्रों में करीब 8000 विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा देंगे। उन्होंने कहा कि नकल पर नकेल के लिए सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है, वहीं उड़न दस्ते भी नकल पर नकेल कसने के लिए लगाए गए हैं। आज से हमारे 10वीं की जो बोर्ड की परीक्षाएं वो भी आरंभ हो गई हैं और इसमें हमारे जिला सोलन में लगभग 158 हमारे परीक्षा केंद्र हैं और 10वीं में जो हमारे विद्यार्थी जो है लगभग कोई 8000 के करीब जो इसमें विद्यार्थी अपीयर हो रहे हैं और परीक्षा केंद्रों में सुचारू रूप से वहाँ की व्यवस्थाएं सारी कर ली गई हैं और सभी परीक्षा केंद्रों में हमारे जो सीसीटीवी कैमराज के निगरानी में ही ये पेपर किए जा रहे हैं, जैसे कि बोर्ड द्वारा हमें इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस प्राप्त हुई हैं और विभाग द्वारा भी हमें निर्देश मिले हैं, उसके अनुरूप ही हम सारे जो है ये परीक्षाएँ जो है हम करवा रहे हैं। और इसमें जो हमारे जो ज़िला सोलन की जो एक उड़न दस्ते जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं वो भी हमारे तीन तरह की जो हैं, तीन स्तर पर हमारी ये फ्लाइंग स्क्वाड्स बनी हैं। एक हमारे डिप्टी डायरेक्टर हायर एजुकेशन के अंतर्गत एक फ्लाइंग स्क्वाड है और एक इंस्पेक्शन कैडर की जो हमारे डिप्टी डायरेक्टर हैं उसके अंतर्गत हैं और एक हमारे एलिमेंट्री के जो डिप्टी डायरेक्टर हैं उसके अंतर्गत भी एक जो है फ्लाइंग स्क्वाड। इसमें परीक्षा केंद्रों में बच्चे जो है किसी प्रकार का कोई ऐसे गलत उसका इस्तेमाल ना करें, इसके ऊपर निगरानी रखने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों में जाकर के ये पूरी व्यवस्थाएं जांचेंगे। हिमाचल प्रेस के लिए सोलन से जैस्मिन की रिपोर्ट। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।